हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम लोग एक स्पेशल पैटर्न डिस्कस करेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल को इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आसान मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको एरे का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इसको एरे से करूँगा और 2D एरे से करूँगा, इसलिए मैं एक 2D एरे सिंपल सा ले लेता हूँ। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं। ये मेरा एक 2D एरे है, और इस 2D एरे में हमने लास्ट वाला जो कॉलम है वहां पे एक वैल्यू ले लिया है 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, और मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने 2D एरे लिया है, इस 2D एरे में हर एक एलिमेंट को 0 से इनिशलाइज कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपडेशन जब भी रिक्वायर्ड होगा तो मैं अपडेशन कर दूंगा। तो आप मान लीजिए कि जो ब्लैंक सेल्स हैं वो ये डिनोट करती हैं कि इसमें 0 वैल्यू है। आइए अब अपडेट करते हैं। फर्स्ट रो मेरी अपडेट ऑलरेडी है, मैं सेकेंड रो ऑनवर्ड्स कैलकुलेशंस करता हूँ। तो मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला एलिमेंट अगर मुझे चाहिए तो मैं मानता हूँ कि इसका जो आंसर है वो ऊपर के जो दो सेल्स हैं उनका सम है। ऊपर के दो सेल्स मीनिंग अगर मैं इन दोनों सेल्स का सम करूं तो मुझे इस सेल की वैल्यू मिलेगी। तो चूंकि इन दोनों सेल ये दोनों सेल्स ब्लैंक हैं, और अगर हम इन दोनों सेल्स का जब सम करेंगे तो मुझे 0 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस सेल की वैल्यू चाहिए तो मुझे इन दोनों सेल्स का डेटा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ मुझे 0 फिर से मिल जाएगा, फिर मुझे यहाँ 0 मिलेगा क्योंकि इन दोनों सेल्स की वैल्यू 0 है। यहाँ पर भी 0 मिलेगा क्योंकि इन दोनों सेल्स की वैल्यू 0 है। यहाँ पे 1 मिलेगा क्योंकि इन दोनों सेल्स की वैल्यू 0 और 1 है, 0 प्लस 1 1 आएगा। अब इस सेल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे इसको और इसके आगे वाले सेल को ऐड करना पड़ेगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, और एक और मीनिंग इसमें है कि मुझे एक एडिशनल सेल लेना पड़ेगा, एक एडिशनल कॉलम लेना पड़ेगा इसके राइट में, और उसकी भी वैल्यू सबको 0 इनिशलाइज करनी है। फाइन, तो अब हम एक बार फिर से नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। अभी तक जो हमने एक्टिविटी की उसको मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमने एक 2D एरे लिया है, और इस 2D एरे में 1 2 3 4 5 6 छठे रो के छठे कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1 इनिशियलाइज कर लिया, बाकी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 इनिशियलाइज किया। जब हम सेकेंड फर्स्ट रो से सेकेंड रो में जा रहे हैं और एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे अगेन, तो करंट एलिमेंट की जो डेटा वैल्यू होगी वो ऊपर के रो के करंट कॉलम और इसके आगे वाले कॉलम का सम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो अगर हम इससे अप जाएंगे तो रो हमारा ये हो गया, करंट कॉलम 5 है और नेक्स्ट कॉलम 6 है, तो 5 और 6 नंबर कॉलम की डेटा वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू इस सेल की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर के कॉलम में जाते हैं, ऊपर के रो में जाते हैं, सेम कॉलम में 1 है और आगे वाले कॉलम में 0 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। बस हमें डेटा वैल्यू इसी 6th कॉलम तक की फाइंड करनी है, 7th कॉलम को 0 ही रहने दीजिए। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स को हम फाइंड करते हैं। थर्ड रो के एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों सेल्स का ऐड किया, 0 आया, इन दोनों सेल्स को ऐड किया, 0 आया, इन दोनों सेल्स को ऐड किया, यहाँ 0 आया, इन दोनों सेल्स को ऐड करेंगे यहाँ आएगा 1, इन दोनों सेल्स को ऐड करेंगे यहाँ आएगा 2, इन दोनों सेल्स को ऐड करेंगे यहाँ आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वहाँ पे थर्ड रो में 1 2 1 है। फोर्थ रो के एलिमेंट को अगर हम फाइंड करें तो इस सेल की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा, फिर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। सो आप देख सकते हैं कि फोर्थ रो में जो एलिमेंट्स हैं 1 3 3 1 है, वो पास्कल्स ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रो में अगर हम फाइंड करें तो ये जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट्स, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी फिफ्थ रो में पहला एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। नेक्स्ट अगर हम सिक्स रो में फाइंड करें तो इस एलिमेंट का वैल्यू होगा दिस प्लस दिस, मतलब कि 1 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10,
6 plus 4 अगेन 10, 4 प्लस 1 5 एंड 1 प्लस 0 1। आप चेक कर सकते हैं ये वाला जो रो है इसमें 1 5 10 5 10 10 5 1। तो पास्कल स्ट्रेंगल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम किस तरह से इसके एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस कर लें तो हम कोड लिखने की कंडीशन में होंगे। तो अगर यहाँ पे आप राइट हैंड साइड वाले पास्कल स्ट्रेंगल को देखें तो ये 6 रोज वाला पास्कल स्ट्रेंगल है। अगर हमें 6 रो वाला पास्कल ट्रायंगल फाइंड करना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जो मैट्रिक्स की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 रोज एंड 7 कॉलम्स, क्योंकि 7th कॉलम में लास्ट वैल्यू हम 0 रखेंगे। हमें सभी एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के 0 इनिशियलाइज करना होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो के मतलब कि रो नंबर 0 और उसके सेकेंड लास्ट कॉलम, क्योंकि हमने 7 कॉलम माने हैं तो लास्ट इंडेक्स 6 होगा, सेकेंड लास्ट 5 होगा, इस M05 की जो वैल्यू है उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से। फिर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट सेकेंड रो ऑनवर्ड्स, लूप एक लगा लेते हैं और i इज इक्वल्स टू सेकेंड रो मतलब रो नंबर 1 i लेस देन और इक्वल टू जो भी लास्ट रो आपकी है n माइनस 1 रो, इस तक हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए जो रो नंबर हमने ऊपर लिखी थी इस रो नंबर को हम चेंज करके इंडेक्स नंबर कर देते हैं जिससे आप आसानी से कोड से भी इसको रिलेट कर पाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो रो नंबर 1 ऑनवर्ड्स हमें एंट्री फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? हर एक कॉलम एलिमेंट की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कॉलम नंबर 1, 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे एक सेकेंड लास्ट कॉलम तक, क्योंकि हमने 7 इंडेक्स तक इसकी वैल्यू को लिया है, सॉरी 6 इंडेक्स तक हमारा लास्ट इंडेक्स है तो हम फाइंड कर रहे हैं 5 इंडेक्स तक। तो 5 इंडेक्स तक मतलब क्या है कि n माइनस 2 इंडेक्स तक ही हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। कैसे अपडेट कर रहे हैं? अगर हम एक वैल्यू मान लें ये वाला और ये हम मान लें कि i और j एंट्री है, मतलब ith रो और jth कॉलम की एंट्री है, तो सबसे पहले आपको i माइनस 1 रो में जाना पड़ेगा। आप फाइंड कर रहे हैं एंट्री mij और mij को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप गए हैं i माइनस 1 रो में। तो m ith रो में सेम कॉलम मतलब jth कॉलम की वैल्यू को पिक कर लीजिए और उसके आगे वाले कॉलम की वैल्यू को पिक कर लीजिए। इसका मतलब है दैट विल बी i माइनस 1 एंड j प्लस 1। तो यही कीजिए इसमें एम आई जे इज इक्वल टू एम आई माइनस 1 जे प्लस एम आई माइनस 1 जे प्लस 1। किस तरह से हम मैट्रिक्स की एंट्री फाइंड कर सकते हैं एक बार जरा अगर हम समराइज करें तो हम यहाँ पे क्या करें कि एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। अगर हमारा n साइज n हमें नंबर ऑफ रोज गिवन है तो जो हमें मैट्रिक्स लेनी है वो n इंटू n प्लस 1 साइज की मैट्रिक्स लेनी है। उसके सभी एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है मैट्रिक्स के 0 नंबर रो और n माइनस 2 नंबर कॉलम को 1 से इनिशियलाइज करना है। वाई n माइनस 2 सॉरी n माइनस 2 नहीं बल्कि इसको हम n माइनस 1 कर देते हैं क्योंकि लास्ट इंडेक्स इसका n होगा और ये वाला जो इंडेक्स होगा वो मेरा n माइनस 1 होगा। फाइन, एक काम और करते हैं, ये वाला जो कोड है इसमें भी n माइनस 2 की जगह n माइनस 1 कर देते हैं क्योंकि हमने एक एडिशनल कॉलम लिया है इसमें। तो हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद उतनी रोज फाइंड करेंगे जितनी यूजर ने हमसे कहा है। तो जो आउटर लूप है वो नंबर ऑफ रोज बताएगा। इनर लूप में हर रो के एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से और फाइनली इसके वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे रो वाइज। तो इसको कोड करते हैं। कोड करने के लिए हमने एक यूजर से इनपुट करा लिया है n। अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टेंट साइज का एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमने एक बड़ी मैट्रिक्स ले ली है 100x100 साइज की, लेकिन हम डाटा एलिमेंट्स जो फाइंड करेंगे वो नंबर ऑफ रोज इनपुट के हिसाब से करेंगे।
इसमें हमने जीरो से इनिशलाइज कर लिया है सभी डेटा वैल्यू को। मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ अपने वीडियोज में, इस इनिशलाइजेशन का मतलब है पहला एलिमेंट जीरो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सारे एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एम इक्वल टू वन लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एलिमेंट वन से इनिशलाइज हो गए, इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट वन है और बाकी सारे जीरोज। सिमिलरली इसका भी मतलब ये है कि पहला एलिमेंट जीरो और बाकी सारे जीरोज। तो जब अब तक हम लोगों ने प्रोसेस फाइंड किया उस प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हमें एक इनिशियलाइजेशन करना होगा एन के हिसाब से। तो मैट्रिक्स में रो नंबर जीरो और कॉलम नंबर एन माइनस वन में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं डेटा वैल्यू वन। बाकी एंट्रीज हम खुद से फाइंड करेंगे लूप में रख के। लूप में सबसे पहले हम रो वाइज चलते हैं और रो वाइज हम पहले जीरो नंबर रो से स्टार्ट करेंगे, सॉरी वन नंबर रो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीरो नंबर में हमने सेटिंग ऑलरेडी कर ली है। और टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमारे हैं वो एन माइनस रो तो एन है लेकिन लास्ट इंडेक्स एन माइनस वन होगा। इसके बाद कॉलम्स को अपडेट करते हैं। कॉलम के लिए जे इज इक्वल्स टू जीरो और जे लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन। एक एडिशनल कॉलम है लेकिन उसमें जीरो वैल्यू होगी। अपडेशन कैसे करेंगे, एम आई जे एंट्री को हम अपडेट कर रहे हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम आई माइनस वन जे प्लस एम आई माइनस वन एंड जे प्लस वन। इसके बाद हम इसकी प्रिंटिंग करेंगे। तो प्रिंटिंग करने के लिए हम फिर से एक नेस्टेड लूप लगा लेते हैं और प्रिंटिंग हमें n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन की ही प्रिंटिंग करनी है। तो जीरो नंबर रोज से हम स्टार्ट करते हैं और n माइनस वन टोटल रोज होंगी। इसी तरह से कॉलम में जीरो नंबर कॉलम से स्टार्ट करेंगे और n माइनस वन कॉलम तक प्रिंटिंग करेंगे। अब प्रिंटिंग करते समय एक डिसीजन हम लेते हैं कि हम प्रिंटिंग तभी करेंगे जबकि हमारा नंबर नॉन जीरो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे जो हमने मैट्रिक्स बनाई है उस मैट्रिक्स में बहुत सारे जीरोज हैं, आप चेक कीजिए कि ये सारे जीरोज हैं, तो हम इन जीरोज की प्रिंटिंग नहीं करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे कि डिसीजन ले लीजिए कि आप प्रिंटिंग कभी करेंगे कि जब ये जीरो नहीं होगा। सो इफ एम आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो तभी आप प्रिंटिंग कीजिए सी आउट एम आई जे। फाइन। अच्छा प्रिंटिंग करने के बाद आप एक काम कीजिए कि एक स्लैश डी लगा दीजिए, इससे बेटर प्रिंटिंग आपको दिखेगा, बेटर तरीके से आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे। जब आप पहली रो प्रिंट कर लेंगे तो उसके बाद न्यू लाइन में आ जाइएगा। इसी तरह से आप दूसरी लाइन प्रिंट कर लेंगे तो न्यू लाइन में आ जाइएगा। तो न्यू लाइन करेक्टर्स यहाँ पे जरूरी है। अगर आप सी में कोडिंग कर रहे हैं तो स्लैश एन का यूज़ कीजिए। रन करके देखते हैं इसको। फाइन, हमने जे में डिक्लेरेशन नहीं किया है कि ये किस टाइप का अवेलेबल है, वैसे जे को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। इनपुट कराते हैं, लेट्स से हमने फाइव इनपुट कराया तो आप चेक कर सकते हैं कि आउटपुट आपका बिल्कुल वैसा आ रहा है लेकिन पास्कल स्ट्रेंगल जिस तरह से विजिबल था पहले वैसा विजिबल नहीं है। तो उसको विजिबल करने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे प्रिंटिंग कराने के लिए अभी हम टैब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटिंग कराते समय सबसे पहले हम स्पेसेस प्रिंट कर लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ देखें कि पहली लाइन में जीरो स्पेसेस, पहली लाइन में एन माइनस वन स्पेसेस एंड देन एक नंबर है, दूसरी लाइन में एन माइनस टू स्पेसेस देन दो नंबर, सिमिलरली सेकेंड लास्ट लाइन में एक स्पेस और पांच नंबर और लास्ट लाइन में कोई भी स्पेसेस नहीं है। तो एन माइनस आई स्पेसेस हमें प्रिंट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक लूप लगा लेते हैं और इंटीजर लेट्स से के इज इक्वल्स टू वन एंड के लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एन, जो कि हमारा नंबर ऑफ लाइन्स है, माइनस आई के प्लस प्लस और स्पेस प्रिंट कर देते हैं सिंगल स्पेसेस। फाइन, हमने रन किया और पांच इनपुट किया और आप देख सकते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ लाइन्स है बिल्कुल वैसे आ रहे हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, बट जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है,
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने एम आई जे की प्रिंटिंग कराई, तो एक स्पेस हर नंबर के प्रिंट करने के बाद लगा दीजिए। फाइन, एन इक्वल्स टू 5 के लिए हम दोबारा चेक करते हैं। नाउ द पास्कल स्ट्रेंगल कम्स वेरी मच सेम एज वॉट यू हैव एक्चुअली एक्सपेक्टेड। और एक बार जब रन करते हैं बड़ी वैल्यू के लिए, लेट्स से हम 6 वैल्यू के लिए प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो 6 वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हैं वैसे ही पास्कल स्ट्रेंगल आ रहा है। जैसे 2 डिजिट नंबर आएंगे तो हमारा जो स्पेसेस हैं वो वैसे स्पेसेस नहीं दिखेंगे जैसे हम चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।